हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मेटियोर गार्डन का एपिसोड 17। और अगर अभी तक आपने मेरे बाकी पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एपिसोड 17। शियायू और संशय बाहर वॉक पर आए हैं। शियायू कहती है, मैं कनाडा को बहुत मिस कर रही हूँ। संशय शियायू को बताती है कि उनकी हाई स्कूल रियूनियन है और वो दोनों उसमें जाने का डिसाइड करती हैं। अब वो फेवरेट्स लेई और दामिशी गेम खेल रहे हैं बेड पर। दामिशी गेम हार गया। यहाँ एक ब्लास्ट होता है पास्ट से। लेई को जिंग का कॉल आता है। जिंग लेई से पूछती है, तुम कैसे हो? लेई आंसर नहीं देता और दामिशी की तरफ देखता है। तो दामिशी लेई की हेल्प करता है और कहता है, जिंग मैं भी यही हूँ, क्या तुम वापस आ रही हो? जिंग कहती है, मैं अभी वापस नहीं आ रही। लेई के फेशियल एक्सप्रेशन से लगता है कि वो बहुत सैड है। दामिशी भी ये समझ जाता है और लेई के हाथ से फोन छुड़ाकर जिंग से बात करने लगता है और कहता है, टेंशन नहीं लो, मैं यहाँ सबकी देखभाल कर रहा हूँ। धीरे से दामिशी जिंग से पूछता है कि तुम्हारे वो फ्रेंच गाय का क्या हुआ? और मैं और सनशाइन डेट कर रहे हैं। जिंग कहती है, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और कहती है कि मेरी इंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। और इससे दामिशी खुश होता है और वापस लेई के पास आकर कहता है, इसका मतलब ये है कि लेई के पास अभी चांस है। दामिशी लेई से कुछ बोलने को कहता है। लेई जिंग से कहता है, क्या ये तुमने कैंसिल जॉब की वजह से की है? जिंग कहती है हाँ, और कहती है कि मैंने कॉल तुम्हें यही बताने को किया था। दामिशी जिंग से कहता है, हम तुम्हारा वापस आने का वेट करेंगे। फोन कट होता है पर दामिशी को लगता है कि लेई सैड है। तो दामिशी उससे गेम की बातें करने लगता है और कहता है कि जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हें मुझे बताना होगा अगर मैं गेम जीत गया तो। लेई कहता है, पहले जीत कर तो बताओ। दामिशी कहता है, मैं तुम्हें गेम में नहीं हरा सकता, पर अपनी पावर से तो हरा सकता हूँ ना। दामिशी वही लेई को परेशान करने लगता है। लेई कहता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं संशय से कहूंगा कि वो तुम्हें इग्नोर करे। ये सुनकर दामिशी लेई को छोड़ तो देता है पर कहता है, संशय मेरी गर्लफ्रेंड है, और लेई को फिर से परेशान करने लगता है। यहाँ लेई और दामिशी का फनी रोमांस दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे शियायू और संशय यूनियन पार्टी में जाती हैं और शियायू फोटोज भी शेयर करती है। F4 भी बाहर कैफे में आए हैं तो शिमेन शियायू की पोस्ट देखता है और कहता है कि संशय कितनी डम लग रही है। दामिशी फोटो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है। फोटो देखने के बाद दामिशी कहता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरिजो कहता है, वो लोग अपनी रियूनियन में है तो मैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। दामिशी कहता है, क्यों नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ही तो मिलने जा रहा हूँ, इसमें गलत ही क्या है? दामिशी के जाने के बाद शिमेन कहता है, होपफुली संशय भी यही सोचती हो। मेइजो कहता है, क्या हमें उसे फॉलो करना चाहिए? इधर संशय गेम में हार जाती है और उसे ड्रंक पीने की कहते हैं। तो उसका क्लासमेट जीबू कहता है, रुको मैं तुम्हारी जगह पीता हूँ, पर संशय उससे मना करती है। तभी वहाँ गुड लुकिंग रियूनियन ट्रेशर आ जाता है, यानी कि दामिशी, और वो संशय के हाथ से ग्लास छुड़ाकर कहता है कि तुम इस घटिया ड्रिंक को पियोगी। संशय पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दामिशी कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया हूँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जीबू संशय से पूछता है, क्या ये तुम्हारा BF है? संशय मना कर देती है। दामिशी इस टाइम इंट्रूसिव और डिल्यूजनल हो जाता है और दामिशी संशय की फ्रेंड जीबू से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है तो वो उसे पंच मार देता है। उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाहर F3 है और लेई यहाँ शांति से अपना गेम में लगा हुआ है। तभी अंदर से जीबू को लेकर सब निकलते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि उसके सर से खून बह रहा है। F3 भी अब समझ जाते हैं कि अंदर क्या हुआ है। संशय दामिशी से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि भले ही मेरे फ्रेंड्स गरीब हों, उनकी लो लाइफ है, पर वो मेरे फ्रेंड्स हैं, और उसे स्लैप मारकर वहाँ से चली जाती है। संशय सारा दिन टेंशन में रहती है इस प्रॉब्लम के बारे में, वो अपने फ्रेंड से क्या कहेगी। शियायू उसे समझाती है कि तुम टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे संशय हॉस्पिटल में जीबू से मिलने और उसकी कंडीशन के बारे में पूछने जाती है। संशय जीबू से सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसकी वजह से हर्ट हुआ। जीबू कहता है, कोई नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। जीबू संशय से कहता है, मैं तुम्हारे लिए वर्क था, तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? संशय कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। देन जीबू संशय को अपने स्टेप ब्रदर शुंग पिन से मिलाता है और बताता है कि वो भी मेंगदे यूनिवर्सिटी में है और फ्रेशर्स है। अब आता है मेरा फेवरेट सीन इस एपिसोड का। यहाँ F3 दामिशी को ये सिखा रहे हैं कि वो संशय से सिंसियरली सॉरी कैसे बोले। दामिशी प्रैक्टिस करता है
मेइजो कहता है, तुम बिल्कुल सिंसियर नहीं लग रहे, तुम ले की तरह इनोसेंट एक्सप्रेशन दो। बेचारा दामिनशी, उसे कितना कुछ करना पड़ता है। वो कोशिश करता है ले की तरह एक्सप्रेशन देने की। दामिनशी के फेशियल एक्सप्रेशन बेस्ट और फनी होते हैं। फिर शिमैन उसे बताता है कि उसे क्या क्या बोलना है। दामिनशी बोलने की कोशिश करता है पर उसे कुछ नहीं आता और वो गिव अप कर देता है। बेचारे अत्री, उनकी सारी मेहनत बर्बाद होती है। मेइजो ले से पूछता है, अगर तुम शंशाई होते तो क्या तुम दामिनशी को माफ कर देते? ले कहता है, तुम्हारा मतलब है कोई मेरे फ्रेंड को बिना रीजन के मारे और मैं उसे माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। दामिनशी अपनी सॉरी बोलने की रिहर्सल फिर से स्टार्ट करता है। नेक्स्ट डे एफ और रेडी होकर कॉलेज पहुंचते हैं। जब उन्हें सनशाई मिलती है तो दामिनशी उसे रोकता है पर वो सुनकर भी नहीं रुकती। अब तो दामिनशी भी सनशाई से बहुत गुस्सा हो जाता है। सनशाई लाइब्रेरी में जाती है बुक्स लेने। वहां उसे फिर से शुंगफिन मिलता है और फिर सनशाई उससे बात करने लगती है। इधर एफ थ्री दामिनशी को समझाते हैं कि वो सनशाई से सॉरी बोले पर वो नहीं मानता। जब सनशाई एफ फोर को देखती है तो वो शुंगफिन के साथ वहीं छिप जाती है और एफ फोर की बातें सुनने लगती है। दामिनशी कहता है कि उसके मन में सनशाई के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो सनशाई की इंसल्ट करता है। कहता है, पता नहीं सनशाई को किस बात पर इतना घमंड है। ना तो उसका फैशन सेंस अच्छा है और ना ही वो दिखने में अच्छी है। वो बहुत शॉर्ट है, उसके पैर मेडअप जैसे हैं और वो वाटर बफेलो जैसी लगती है। शिमैन भी कहता है, तुम सही कह रहे हो, सनशाई में फेमिनिटी की कमी है। सनशाई को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। शुंगपिन ये सब सुनकर दामिनशी को पागल और सनकी कहता है। इससे पहले कोई उसे देख पाता सनशाई उसे नीचे खींच लेती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर वो दोनों बात करते करते भुट्टा खा रहे थे तो सनशाई का भुट्टा ब्रिज से नीचे गिर जाता है। तभी वहां से सी निकल रहा था तो वो उन्हें देख लेता है। दामिनशी उनके पास जाता है और शुंगपिन से पूछता है, वो तुम ही थे ना जिसने मुझे पागल कहा था? वहां शुंगपिन सनशाई का सेवियर बनने की कोशिश करता है और वो दामिनशी को वहां से जाने की कहता है। इस बात से दामिनशी को गुस्सा आता है और वहीं उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सनशाई उन्हें रोकती है और दामिनशी से पूछती है, तुम हमेशा एग्रेसिव क्यों हो जाते हो? मुझे सफोकेशन होता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। और वहां से चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे सनशाई यहाँ सच बोल रही है, पर दामिनशी को क्या, वो इतना कुछ सुनने के बाद भी सनशाई से अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। कहता है, सनशाई आई लाइक यू। सनशाई ये सुनकर रुकती है और दामिनशी की तरफ देखती है। दामिनशी कहता है, मैं खुद सरप्राइज हूँ कि मैं तुम्हें इतना लाइक क्यों करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊँ, पर मेरे सामने सिर्फ तुम आती हो। और कहता है सनशाई, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, अगर तुम मार्स पर भी गई तो मैं वहां आऊंगा। सनशाई दामिनशी को बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दामिनशी को अपसेट देखकर F3 डिसाइड करते हैं कि हम लोग ही अब सनशाई को मनाएंगे दामिनशी के लिए। क्लास के बाद जब सनशाई चैन सिंह के साथ जा रही थी तो बाहर उसे शुंगपिन मिलता है और वो सनशाई को अपने साथ कॉलेज के बाहर ले जाता है। फिर वो सनशाई के लिए ड्रिंक्स लेने जाता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि सनशाई वहां नहीं है जहां वो उसे छोड़कर गया था। लगता है कि सनशाई किडनैप हो गई है। एपिसोड 17 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल।